हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश वीकली करंट अफेयर यानी मध्य प्रदेश दैनिक या साप्ताहिक करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1 से 15 जनवरी 2022 के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए उसके बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं यानी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है। टॉप 40 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ ही फैक्ट भी बताए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, वी के त्रिपाठी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। वी के त्रिपाठी को हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। इन्हें विनय कुमार की जगह रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ऑप्शन बी वी के त्रिपाठी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे easemytrip.com का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो दोस्तों, easemytrip का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में विजय राज और वरुण शर्मा इन दोनों को बनाया गया है। तो ऑप्शन बी एंड सी इसका सही आंसर होगा। एक्टर विजय राज और वरुण शर्मा इन दोनों को इसका ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया गया है। दोस्तों, easemytrip की शुरुआत 2008 से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल डेवलपमेंट बैंक में कितने मेंबर हुए हैं? तो दोस्तों, एनडीबी में हाल ही में जो मेंबर की संख्या है वह बढ़कर 9 हो गई है। तो आंसर बी इसका सही आंसर होगा। 9 हाल ही में जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है उसके सदस्यों की संख्या हो गई है। अब ये तीन कौन कौन से मेंबर जुड़े हैं उनके बारे में आपको बता दें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक है क्या। तो दोस्तों, यह ब्रिक्स जो कंट्री है उनका बैंक है और ब्रिक्स में आपको पता है कि 5 कंट्री हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब इनके अलावा 4 और मेंबर ऐड हुए हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट और उरुग्वे, ये 4 मेंबर और इस बैंक में हाल ही में शामिल हुए हैं। तो इसके कुल 9 मेंबर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो दोस्तों, मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ में रखी गई है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रखी गई है, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी बनता है क्योंकि इस साल मेजर ध्यानचंद जी की मृत्यु भी हुई है। बात आइए यूपी की, तो चलिए दोस्तों, मैप में ये आप देख पा रहे होंगे ये लोकेशन है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 में की गई थी। राजधानी लखनऊ है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा चुने गए हैं। राज्यसभा की 31, लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। स्तनपाई की बात करें तो बारहसिंगा यहाँ का मैमल है। पक्षी की बात करें तो सारस क्रेन यहाँ का राजकीय पक्षी है। वहीं बात करें फूल की तो पलाश उत्तर प्रदेश का फूल है। और वृक्ष की बात करें तो सीता अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। तो इतना आपको यूपी के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कोस्ट गार्ड चीफ बनाया गया है? तो दोस्तों, वीएस पठानिया को हाल ही में कोस्ट गार्ड चीफ बनाया गया है। तो ऑप्शन डी वीएस पठानिया इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, बात आइए कोस्ट गार्ड की, तो आपको बता दें इसकी जो फॉर्मेशन है वह 1977 में किया गया था। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है और इसका मोटो आपको याद रखना है, इसको मोटो है वयम रक्षाम। ये मोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया है? तो दोस्तों, डीआरडीओ का 64वां स्थापना दिवस 2022 में सेलिब्रेट किया गया है। दोस्तों, प्रत्येक 1 जनवरी को डीआरडीओ स्थापना दिवस मनाता है और 2022 में इसका यह 64वां स्थापना दिवस था। दोस्तों, बात आई है डीआरडीओ की, तो आपको इसके बारे में बता दें, डीआरडीओ की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका मोटो स्ट्रेंथ और ओरिजिन इज अ साइंस, ये मोटो है। फॉर्मेशन 1 जनवरी 1958 में किया गया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके जो चीफ हैं वह जी सतीश रेड्डी हैं। तो इतना आपको डीआरडीओ के बारे में याद रखना है। दोस्तों, जो मैंने वहाँ पर बोला है ये डीआरडीओ के बारे में लिखा हुआ है, आप एक बार रिवाइज कर लें। एक और इसका जो मोटो है वह वलस मूलम विज्ञानम है, ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना युद्ध अभ्यास मिलान का कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों मिलान के 11वें संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया है, ऑप्शन बी 11 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये जो मिलान है एक्सरसाइज है, यह नौसेना का युद्ध अभ्यास है और 1995 से यह शुरू किया गया था। 46 देश इसमें शामिल हुए हैं और इसका यह 11वां संस्करण है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ONGC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में किस महिला को चुना गया है? तो दोस्तों ONGC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में अलका मित्तल को चुना गया है, तो इसका ऑप्शन बी अलका मित्तल सही आंसर होगा। दोस्तों ये जो सोमा मंडल है वह सेल की अध्यक्ष बनाई गई हैं, सेल को हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और ONGC के चेयरमैन और डायरेक्टर हाल ही में अलका मित्तल को बनाया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप बात आई है ONGC की, तो आपको बता दें इसका फुल फॉर्म ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑफ कॉरपोरेशन होता है। इसका जो फॉर्मेशन है वह 1956 में किया गया था, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में अलका मित्तल तो बनाई ही गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन के लिए मध्य प्रदेश को कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो दोस्तों जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश को हाल ही में 15,381 करोड़ रुपये की जो राशि है वह स्वीकृत की गई है केंद्र के द्वारा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नील नॉन्ग ग्रहण का निधन हुआ ये कौन थे? तो दोस्तों ये एक फेमस पियानो वादक थे, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो नील नॉन्ग ग्रहण थे तो ये पियानो वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वाटर अवार्ड किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? तो दोस्तों नेशनल वाटर अवार्ड में हाल ही में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीनों को यह स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो दोस्तों शेफाली वर्मा जो हमारी इंडियन टीम की क्रिकेटर हैं इन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इसी दिन हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं वह भारत लौट कर आए थे और इसी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निवेश बैंक का वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तो दोस्तों हाल ही में निवेश बैंक का वाइस प्रेसिडेंट उर्जित पटेल को बनाया गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, उर्जित पटेल। दोस्तों ये जो निवेश बैंक है इसे हम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी कहते हैं और इनका जो उर्जित पटेल का जो कार्यकाल होगा इस बैंक में वह 3 साल तक का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस 2021 का 24वां सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों हैदराबाद, हैदराबाद में ई गवर्नेंस 2021 के 24वें सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों हैदराबाद जैसा कि आप जानते हैं तेलंगाना की राजधानी है, तो आपसे अगर राज्य का नाम पूछे तो तेलंगाना राज्य हो जाएगा। इस बार इसकी जो थीम रखी गई है वह इंडियाज टेक डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, ये थीम रखी गई है इस ई गवर्नेंस 2021 के सम्मेलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया है? तो दोस्तों इसके 9वें संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया है, ऑप्शन बी 9वां इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसका आयोजन हाल ही में असम की राजधानी गुवाहाटी में किया गया है और इसका 9वां संस्करण है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुहास जोगी को किस IIT का नया डायरेक्टर चुना गया है? दोस्तों सुहास जोगी को हाल ही में इंदौर IIT का डायरेक्टर चुना गया है, तो ऑप्शन सी इंदौर IIT इसका सही आंसर होगा। दोस्तों फर्स्ट स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम शक्ति है जो IIT इंदौर में ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हाल ही में किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो दोस्तों गोल्डन ग्लोब अवार्ड हाल ही में द पावर ऑफ द डॉग फिल्म के लिए दिया गया है, तो ऑप्शन सी द पावर ऑफ द डॉग इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में बता दें। सबसे पहले बात करते हैं इसका फॉर्मेशन 1944 में किया गया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है।
इसके बाद ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है वह किस कंट्री में दिया जाता है? तो यूएसए के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। इसका यह 79 यानी 79वां संस्करण था। दोस्तों इसमें बेस्ट एक्टर निकोल किडमैन को चुना गया है। वहीं अगर बेस्ट एक्टर की बात करें तो बिल स्मिथ को चुना गया है। वहीं बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो जेन चैम्पियन को चुना गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में, आपको याद रखने हैं। और यहीं से दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ यही 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि बेस्ट डायरेक्टर का नाम बताओ, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और फिल्म कौन सी चुनी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR द्वारा सुभाष मुखर्जी अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया है? दोस्तों ICMR के द्वारा सुभाष मुखर्जी अवार्ड हाल ही में सतीश अडेग को दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहां पर दोस्तों अड़ेल नहीं सतीश अडेग होगा, तो ऑप्शन बी सतीश अडेग इसका सही आंसर होगा। दोस्तों बात आई है ICMR की, तो चलिए आपको इसके बारे में बता दें। ICMR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है। इसका फॉर्मेशन 1911 में किया गया था। फॉर्मेशन के नाम इसका जो नाम है वह IRF ही था, लेकिन इसका रीनेम 1949 में करके ICMR किया गया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में जो DG हैं यानी डायरेक्टर जनरल हैं वह बलराम भार्गव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजेंड लीग क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे चुना गया है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में झूलन गोस्वामी को चुना गया है। तो ऑप्शन ए झूलन गोस्वामी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारी इंडियन क्रिकेट महिला टीम की बेस्ट बॉलर रही हैं झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2022 का स्पॉन्सर कौन बना है? तो दोस्तों टाटा IPL 2022 का स्पॉन्सर बना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 जनवरी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस दिवस की शुरुआत 1975 से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों वर्तमान में आई जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान 83वां है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। दोस्तों भारत का स्थान 2021 की जो रिपोर्ट है उसमें 83वां बताया गया है। 2020 में भारत का स्थान 90 था, उससे पहले 2019 में जो भारत का स्थान था वह 84वां था, और इसमें जो टॉप किया है 2021 में वह जापान और सिंगापुर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 का अवार्ड किस राज्य के गांव को दिया गया है? तो ऑप्शन ए केरल इसका सही आंसर होगा। दोस्तों केरल के कोवलम गांव को हाल ही में इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यहां का जो आर्ट है वह बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसके कारण इसे इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस गाँव का नाम है कोवलम। दोस्तों बात आई है केरल की, तो मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे केरल है। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा की 9 और लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं केरल में। तो इतना आपको केरल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हाल ही में क्या किया गया है? तो दोस्तों केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर स्टेशन किया गया है। ऑप्शन डी एकता नगर स्टेशन इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये जो स्टेशन वह गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हाल ही में चंडीगढ़ में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन डी राजनाथ सिंह इसका सही आंसर होगा। हाल ही में कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म renewby.com का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे चुना गया है? तो दोस्तों राजकुमार राव को renewby.com का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जैसा कि आपको पता है दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस हमारे स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि पर मनाया जाता है। इसका जो पहला दिवस है वह 1995 में बनाया गया था, और इस बार इसकी जो थीम रखी गई है वह इट्स ऑल इन द माइंड, ये थीम रखी गई है राष्ट्रीय युवा दिवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आईएमएफ का चीफ इकोनॉमिस्ट हाल ही में किसे बनाया गया है? तो दोस्तों आईएमएफ का चीफ इकोनॉमिस्ट हाल ही में प्यारे ओलिवर को बनाया गया है। तो इसका डी आंसर होगा, प्यारे ओलिवर को हाल ही में आईएमएफ का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। दोस्तों पहली महिला आईएमएफ में जो डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है वह हमारी गीता मित्तल हैं। तो ये भी आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। दोस्तों बात आई है आईएमएफ की, तो चलिए आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें। आईएमएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। इसका फॉर्मेशन 1945 में किया गया था, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसकी जो एमडी है वह क्रिस्टलियाना जॉर्जिएवा है, और हाल ही में चीफ इकोनॉमिस्ट तो प्यारे ओलिवर को बनाया ही गया है। इसके कुल मेंबर 189 हैं, कोसोवो लास्ट मेंबर है जो इसमें ऐड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टार्टअप्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों नेशनल स्टार्टअप दिवस प्रत्येक 16 जनवरी को मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेशनल स्टार्टअप दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2022 में ही की गई है, और यह पहला दिवस है, 16 जनवरी को यह दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिरजू महाराज का निधन हुआ, ये किस डांस से संबंधित थे? तो दोस्तों बिरजू महाराज कथक नर्तक थे, तो इसका बी सही आंसर होगा। बिरजू महाराज बहुत बड़े कथक नर्तक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनकी उम्र 83 थी। दोस्तों आपको बता दें इनका जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था, शास्त्रीय गायक भी थे। इनका पूरा नाम पंडित ब्रजमोहन मिश्र था। 1983 में पद्म विभूषण और 2012 में राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन सा संस्थान कर रहा है? तो दोस्तों दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन का आयोजन WEF कर रहा है, तो ऑप्शन बी WEF इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वर्चुअली इसमें भाषण दिया जाएगा, और इन्होंने कहा है कि नेशन सेविंग क्रॉस ऑफ लिव्स ग्लोबली, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहा गया है। चलिए बात आई है WEF की, तो आपको बता दें इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है। 1971 में इसका फॉर्मेशन किया गया था, हेडक्वार्टर कोलोनी स्विट्जरलैंड में है, चेयरमैन और फाउंडर क्लाउस स्वाच वॉल हैं। दोस्तों ये जो कुछ WEF रिपोर्ट जारी करता है उन रिपोर्ट के नाम आपको याद रखने, क्योंकि आपसे अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट कौन सा संस्थान जारी करता है। तो आपको बता दें एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ग्लोबल IT रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये जो सभी रिपोर्ट हैं वह WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती हैं। दोस्तों बात आई है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो आपको बता दें कि जो इस माह में इम्पोर्टेंट फैक्ट हुए हैं उनको मैं लेकर आया हूँ। तो ये सबसे बड़ी फैक्ट है कि इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आई है, और यहाँ से आपके एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आना बिल्कुल पक्का ही है। तो दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकेंगे वो मैं आप तक लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको बता दें कि मिनिस्ट्री, यह कौन सी मिनिस्ट्री है इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करती है, तो इस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये मिनिस्ट्री यह रिपोर्ट जारी करती है। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर भारत में कितना हो गया है? तो 24.6262%, ये टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है भारत में। वहीं सिर्फ टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करी जाए तो 21.71% टोटल फॉरेस्ट कवर है। टोटल ट्री कवर की बात करी जाए तो 2.91% सिर्फ ट्री कवर है भारत में, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर सामने आ जाता है। दोस्तों आपको कुछ फैक्ट भी बता दें, तो पहला सर्वेक्षण 1987 में किया गया था, 2021 में यह 17वां सर्वेक्षण है। पहली बार टाइगर रिजर्व फॉर टाइगर कॉरिडोर का वन आवरण का आकलन किया गया है, जिसमें 37.15 वर्ग किलोमीटर एरिया बढ़ गया है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसमें वन ज़्यादा है, तो उसका नाम है बक्साधारा जो पश्चिम बंगाल में है, और उसके बाद है अन्नामलाई, यानी इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो टाइगर हैं वहाँ पर वन आवरण है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बचे हैं इसी के फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट की, तो आपको बता दें पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण वाला 15.40 किलोमीटर स्क्वायर एक वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है, यानी इतनी वृद्धि
पक्के टाइगर रिजर्व में देखी गई है, जो सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में। वनों में सर्वाधिक वृद्धि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में देखने को मिली है अकॉर्डिंग टू एरिया। बात करें अगर वनों में कमी, तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम में इनमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम में वनों में कमी देखने को मिली है। अगर बात करी जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में और छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, इन सभी राज्यों में वन हैं। अगर प्रतिशत की बात की जाए यानी सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है, तो मिजोरम में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद मेघालय। मेघालय में तीसरे नंबर पर सर्वाधिक वन प्रतिशत है। वहीं अगर बात करें मैग्रोव वनों की, तो 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हाल ही में मैग्रोव वनों में देखने को मिली है इस रिपोर्ट के अनुसार। दोस्तों यह जो रिपोर्ट है वह प्रतिवर्ष 2 वर्ष में आती है। इससे पहले 2019 में यह रिपोर्ट आई थी, तो आपको ये भी याद रखना है कि इससे पहले कब आई थी तो ये, और उसमें कितना वन आवरण था, तो 24.56 वन आवरण था इस रिपोर्ट में। और इसमें कुल वन आवरण जो बताया गया है दोस्तों, यहाँ पर वन और वृक्ष आवरण है टोटल 24.56। अगर सिर्फ वन आवरण की बात की जाए तो 21.67 है, और सिर्फ वन आवरण की बात की जाए अगर, या वृक्ष की बात की जाए, तो 2.89% ये देखने को मिलता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हुए हैं इस जो रिपोर्ट आई है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, उसके बारे में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो इस आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं अकेला मेहनत करता हूँ, आपको सपोर्ट करना बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में तैयार होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।